بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, welcome to all of you in the online class of FAI. Dear students, today we will discuss about earthing, short circuiting and overloading. And it is the lecture number 15 of this chapter, Magnetic Effects of Current. डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ के बारे में, शॉर्ट सर्किट के बारे में और ओवरलोडिंग के बारे में। ये तीन टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अर्थिंग का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि समटाइम्स वी रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन वी टच द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। हम कभी इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव करते हैं जब हम बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन को टच करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जब हम इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी को टच करते हैं, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? तो डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या होता है कि आपको पता है कि एक तो लाइव वायर होती है और दूसरी न्यूट्रल वायर होती है, और ये इंसुलेटेड होती हैं दोनों वायर्स, और समटाइम्स इनकी जो इंसुलेशन होती है वो टॉर्न होती है, वो वेयर एंड टीयर होती है, वो कट जाती है वो इंसुलेशन, ठीक है। उसके बाद मेटल बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन वो इन कॉन्टैक्ट में आता है लाइव वायर के साथ, तो उसके बाद जो बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और जब हम उस इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी को, जो मेटलिक होती है, उसको जब हम टच करते हैं तो वी रिसीव इलेक्ट्रिकल शॉक। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर्स से जो वहां पे जो तीन लाइन्स निकलती हैं, एक होती है ये न्यूट्रल वायर, ठीक है, और लाइव वायर, और अर्थ जिसको हम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहां पे पावर, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, स्ट्रीट में जो लगा होता है, वहां पे क्या उसकी एक वायर ग्राउंड में डिप की जाती है। तो ये जो वायर होती है ये ग्राउंड में जो डिप की जाती है, ग्राउंड में लगाई जाती है, इसी को अर्थिंग कहते हैं या इसको ग्राउंडिंग भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है उस पे आएंगे, अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग means to connect the metal case of electrical appliance to the earth by means of a metal wire called earth wire. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है। तो इन डिवाइसेस में लाइक इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, इसी तरह ये जो रूम जो कूलर जो होता है, रूम कूलर जिसको हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होता है, उन डिवाइसेस में जिनकी बॉडी मेटलिक होती है और हमें उनकी बॉडी को भी टच करना पड़ता है, तो उनकी उन्हीं में अर्थिंग की जाती है, उन डिवाइसेस में, ठीक है। या ये जो बल्ब होता है, ये बल्ब जो होता है, ट्यूब लाइट जो होती है, इनमें हमें टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इनको हम अर्थ नहीं करते हैं, इनको अर्थिंग नहीं की जाती है। तो अर्थिंग मीन्स टू कनेक्ट द मेटल केस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू द अर्थ बाय मीन्स ऑफ ए मेटल वायर कॉल्ड अर्थ वायर। एक वायर कनेक्टेड होती है मेटल बॉडी ऑफ द डिवाइस के साथ, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन के साथ होती है वो इन कॉन्टैक्ट में, ठीक है, और उसका दूसरा एंड होता है ग्राउंड में, ठीक है, उसका दूसरा एंड क्या होता है? ग्राउंड में। और इस वायर को अर्थ वायर कहते हैं और इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। हाउस होल्ड सर्किट्स हैव थ्री वायर्स, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि
तीन वायर्स होते हैं, लाइव वायर एक होते हैं, न्यूट्रल वायर होते हैं और अर्थ वायर होते हैं। ये जो अर्थ वायर जो होती है ये जीरो पोटेंशियल पे होती है, ठीक है, ये ग्राउंड के साथ टच इन कांटेक्ट होती है, टच होती है, ग्राउंड में डिप की जाती है तो वहां एक गड्ढा खोदा जाता है, फिर ये इसका एक एंड ग्राउंड में डाला जाता है और फिर वहां पे चारकोल, साल्ट, नमक, ठीक है, या कोयला, जिसको चारकोल जो होता है इसको कोयला भी कहते हैं, कोयला, नमक और फिर वाटर भी वहां पे ऐड किया जाता है। उसमें क्या की जाती है, वहां एक पाइप ली जाती है, उसके अंदर वायर फिक्स की जाती है और ग्राउंड में डाली जाती है, फिर चारकोल, नमक और वाटर ऐड किया जाता है और फिर इसका जो एक दूसरा एंड होता है वो वहां पे ये मेटल बॉडी ऑफ द डिवाइस के साथ लगी होती है। तो अब तीन वायर्स हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। वन एंड ऑफ द अर्थ वायर इज ब्रीड इन द अर्थ, एक एंड इस अर्थ वायर का यानी ये ग्राउंड में डिप किया जाता है, ग्राउंड में फिक्स किया जाता है। द अर्थ वायर टू द मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय यूजिंग ए थ्री पिन प्लग। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स के ये जो थ्री पिन प्लग होता है, यहाँ पे आप देखिए थ्री पिन प्लग, ये जो इलेक्ट्रिकल आयरन जो होता है या रेफ्रिजरेटर जो होता है, इसी तरह ये जो रूम कूलर जो होता है, ठीक है, तो उनके आप ये जो प्लग्स आप देखोगे तो वो थ्री पिन प्लग होता है, ठीक है। तो ये आप देखिए ये जो रेड होता है ये लाइव वायर होता है, ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर और ग्रीन वायर अर्थ वायर होती है, ठीक है। तो ये देखिए रेड, ग्रीन और ब्लैक, ये ग्रीन वायर जो है इट रिप्रेजेंट्स अर्थ वायर, ठीक है। तो अर्थ वायर इसकी फंक्शन ये कैसे फंक्शन करती है, इसकी वर्क पर्पस क्या है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप यहाँ पे देखिए, द अर्थ वायर टू द मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय यूजिंग ए थ्री पिन प्लग, ये आप मैंने आपको दिखाया। अर्थ कनेक्शंस ओनली टू दोज डिवाइसेस विच हैव मेटलिक बॉडी विच ड्रॉ हैवी करंट एंड विच वी आर लाइबल टू टच, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर एटसेट्रा। ये अर्थिंग हम उन डिवाइस में करते हैं, अर्थ वायर हम उन डिवाइस में करते हैं, यूज करते हैं जिनके साथ हमें यानी उनकी बॉडी को भी छूना पड़ता है, टच करना पड़ता है। ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दी, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है, और जो बल्ब होता है, ठीक है, ट्यूबलाइट जो होते हैं उनके साथ हमें बार बार टच नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए उनमें अर्थिंग नहीं की जाती है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस फिगर से, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आप देखिए इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है, जो कॉइल है इसके अंदर, हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस वायर, इसके दो एंड्स, एक तो न्यूट्रल वायर के साथ और एक एंड इस कॉइल का लाइव वायर के साथ कनेक्टेड है, ठीक, और एक एंड जो और एक वायर जो डायरेक्टली ये जो डॉटेड में मैंने लाइन दिखाई ये अर्थ वायर को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट रहता है, किसकी बॉडी के साथ, इस आयरन के साथ, इस डिवाइस के साथ। और ये देखिए यहाँ पे प्लग है, सॉकेट है यहाँ पे, ठीक है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और ये अर्थ वायर। तो समटाइम्स क्या होता है यहाँ पे, समटाइम्स यहाँ पे ये जो इंसुलेशन होते हैं लाइव वायर की वो टॉर्न होते हैं वियर एंड टियर से, ठीक है, और वो इन कांटेक्ट में आती है, लाइव वायर इन कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इस आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी के साथ, तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पर भी इस आयरन बॉडी में भी इलेक्ट्रिक करंट चली जाती है, इसमें करंट फ्लो होती है, फिर और जो ही हम इस इलेक्ट्रिक आयरन को टच करते हैं तो वी रिसीव इलेक्ट्रिकल शॉक, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, ये करंट फ्लो होती है ह्यूमन बॉडी में, फिर और हम
इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव करते हैं। ये जब लाइव वायर इन कॉन्टैक्ट में आती है किसके साथ, इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी के साथ, तो करंट फ्लो होती है वहां पे 220 वोल्ट, क्योंकि लाइव वायर का वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस से जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली, यहाँ तो फ्लो होती है करंट फिर, और जो ही हम टच करते हैं हमें इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। तो क्या किया जाता है, जब ये इसके साथ ये जो वायर कनेक्ट की जाती है इस बॉडी के साथ, जिसको हम ये अर्थ कहते हैं, इस वायर को अर्थ वायर कहते हैं, और यहाँ देखिए ये यहाँ पे इस प्लग के साथ होती है, और वहां से ये जो इलेक्ट्रिशियंस वो तो फिटेड रखते हैं एक वायर को वहां ग्राउंड में जो, और ये उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं जो है ये प्लग इसमें लगाया जाता है, और ये जो अर्थ वायर है तो फिर इसी में जब यहाँ इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जब ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें जब फ्लो होती है तो वो फ्लो होती है फिर किसमें, न्यूट्रल वायर, ये जो अर्थ वायर में फिर वो पास होता है, वो यानी जो 220 वोल्ट जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है थ्रू दिस अर्थ वायर, और हमें फिर शॉक रिसीव नहीं होता है, क्योंकि जो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट के लिए फिर ये अर्थ एज पाथ यानी पाथ एक्ट करती है, तो हमारी बॉडी फिर बच जाती है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक से। अगर ये अर्थ नहीं लगाई जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी, वो जो करंट यहाँ पे फ्लो होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी से फ्लो होते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव करते हैं। तो ये हम यानी इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए क्या किया जाता है, अर्थ वायर, इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। ये अर्थ वायर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट में होते किसके साथ, मेटल बॉडी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक आयरन या अदर डिवाइस के साथ, और जो ही ये जो कभी कभार ये जो यहाँ पे इंसुलेशन जो इस लाइव वायर की होते हैं, अगर वो कट जाती है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के, इसकी बॉडी के साथ, फिर करंट फ्लो होती है किसमें, करंट फ्लोज थ्रू दिस अर्थ वायर, और ये ग्राउंड में चला जाता है, एंड देन वी डू नॉट रिसीव सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये पर्पस है जिसको हम अर्थिंग भी कहते हैं या ग्राउंडिंग भी कहते हैं, तो इसीलिए ये की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रखना कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक हीट, ये जो डिवाइसेस होते हैं जो ज़्यादा करंट लेते हैं डिवाइसेस, यही इलेक्ट्रिक आयरन या रूम हीटर, ठीक है, या रेफ्रिजरेटर, उन डिवाइसेस में ये अर्थिंग की जाती है। ये जो ट्यूब लाइट्स होते हैं, बल्ब जो होता है, इनमें इनमें अर्थिंग नहीं की जाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। यहाँ भी आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, और ये विजिबल कम है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये एक वायर होती है, ठीक है। यहाँ देखिए तीन वायर्स हैं, फिर एक ग्रीन होता है, और अगर आप ये जो इलेक्ट्रिकल आयरन जो होता है, अगर आप उसकी जो लीड होती है, अगर वो आप देखोगे वहाँ पे तीन वायर्स के अंदर होती है, ठीक है, फिर उनको एक सेम इंसुलेशन होती है तीनों को, पहले तो अलग अलग होती हैं, अलग अलग इंसुलेशन होती हैं, फिर तीनों एक ही कवर में यानी भरी जाती है, ये देखिए। तो यहाँ एक वायर है रेड, ठीक है, लाइव वायर, फिर ग्रीन अर्थ, ठीक है, और न्यूट्रल वायर, ये देखिए इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इसके साथ होती हैं, और यहाँ फिर थ्री प्लग सॉकेट के साथ होते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया, इससे पहले जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई। तो ये जो अर्थिंग आप देखिए कैसे ये की जाती है, ये देखिए ये वायर ली जाती है, ठीक है, और ये यहाँ पे पाइप लिया जाता है, पाइप ली जाती है, इसको ग्राउंड में फिक्स किया जाता है, पहले ये यहाँ पे गड्ढा खो दिया जाता है, ठीक है, तो और यहाँ पे इस पाइप में अर्थ वायर जो होते हैं वो इसमें डाली जाती है, और यहाँ पे इसके में ये चारकोल, साल्ट और वाटर इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है, फिर ये बांध की जाती है ये पाया, और इसका जो ये जो यहाँ पे वायर है जिसको अर्थ वायर कहते हैं, वो फिर अंदर इलेक्ट्रिशियंस वो उसके डिवाइस के साथ लगाते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनको पता है कि कैसे ये करनी है, और आपको मैंने भी बताया कि कैसा इसका प्रोसीजर क्या है।
और नेक्स्ट जो मैंने आपको टॉपिक में बताया कि और शॉर्ट सर्किटिंग है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सुना होगा कि किसी इंडस्ट्रीज में या किसी फैक्ट्री में या किसी घर में शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से वहाँ पे फायर लग गया, ठीक है। तो यानी आग वहाँ पे लग गई। तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब, इफ द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर शॉर्ट सर्किटिंग ऑकर्स। अगर कभी कभार लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग होती है। तो ये कैसे इन कॉन्टैक्ट में आते हैं, इनके अंदर इनके ऊपर इंसुलेशन होती है, ठीक है। लेकिन ये समटाइम्स क्या होता है, ये इंसुलेशन इनके ऊपर जो इन पे जो इंसुलेशन होती है, कवर जो प्लास्टिक की होती है, वो फट जाती है, वो इंसुलेशन वो रिमूव होती है, वो वियर एंड टियर से टॉर्न होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इन पे जो इंसुलेशन होती है वो वहां पे हट जाती है, वो रिमूव होती है वो इंसुलेशन, जिसकी वजह से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वहां पे फिर नहीं हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है और जो वायर्स होते हैं वो हीट अप होते हैं और वहां पे फिर आग लग जाती है, इसको हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो ये कैसे होती है, दिस हैपन्स ड्यू टू डैमेज टू इंसुलेशन ऑफ द पावर लाइन्स। ये जो पावर लाइन्स होते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, इंसुलेशन डैमेज होते हैं इनकी, तो जिसकी वजह से ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फिर शॉर्ट सर्किटिंग होती है। या ड्यू टू फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, समटाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ही, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ही फॉल्ट होता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, जब लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर इन कॉन्टैक्ट में आते हैं वहां पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज विच रिजल्ट्स इन हीटिंग ऑफ द वायर एंड फायर मे बी स्टार्टेड। वहां पे क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर वहां पे इन कॉन्टैक्ट में आते हैं जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है और वहाँ पे वायर जो होते हैं वो हीटेड अप होते हैं जिसकी वजह से फायर वहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। इसी तरह और एक है जो ओवरलोडिंग कहलाता है। इफ टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ हाई पावर रेटिंग्स आर स्विच ऑन साइमल्टेनियसली दे ड्रॉ एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट। डियर स्टूडेंट्स ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, ओवरलोडिंग का मतलब है कि अगर हम हाई पावर रेटिंग डिवाइसेस लाइक फैन भी लगाएंगे, हीटर भी, ठीक है, गीजर भी, इसी तरह बाकी डिवाइसेस भी, रेफ्रिजरेटर भी, इलेक्ट्रिकल, ये जो आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन जो होता है वो भी, साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे डिवाइस को स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, वो क्योंकि ये डिवाइस जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वहां पे सर्किट से ने ऑब्टेन करते हैं, फिर उसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है, फिर वहां पे जो वायर्स होते हैं वो हीटेड अप होते हैं और वहां पे इस प्रोसेस को ओवरलोडिंग कहते हैं। और ओवरलोडिंग से शॉर्ट सर्किटिंग, फिर उससे क्या होता है, उससे फायर लगने, यानी उससे वहां पे फिर फायर लगता है, ठीक है, आग लग जाती है फिर वहां पे। तो क्या है, इफ टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग्स आर स्विच ऑन साइमल्टेनियसली एट अ टाइम, बहुत सारे डिवाइस को स्विच ऑन करना, जो डिवाइस बहुत करंट लेते हैं, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उन्हीं डिवाइस को जब स्विच साइमल्टेनियसली ऑन किया जाता है तो वो हाई पावर रेटिंग्स डिवाइसेस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वहां पे फिर फ्लो होती है और जो कि वो उन उस वायर्स में वो उतनी अमाउंट ऑफ करंट यानी फ्लो होने की उनमें सलाहियत नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इस प्रोसेस को ओवरलोडिंग कहते हैं, विच रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किटिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवरलोडिंग, इसको क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। या डियर स्टूडेंट्स ओवरलोडिंग हम ये भी कह सकते हैं, इफ टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट, अगर बहुत सारे ये डिवाइसेस सिंगल सॉकेट में फिट किए जाए, ठीक है, तो वहां पर भी उसको भी ओवरलोडिंग कहते हैं। तो वो अर्थिंग एक प्रोसेस, उसके बाद मैंने शॉर्ट सर्किटिंग,
और ओवरलोडिंग मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर आपको डियर स्टूडेंट्स कहीं पे कन्फ्यूजन होगा, कहीं पे दिक्कत आएगी ये टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने में, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी आपको अच्छे से ये फिर से समझाऊंगा। स्टे सो सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।